नमस्कार दोस्तों, आपका ह्यूमन टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले ऑसस जेनफोन 6 के बारे में, जिसकी लॉन्च की अनाउंसमेंट हो चुकी है स्पेसिफिकेशन वगैरह की, बट प्राइस वगैरह अभी निकल के नहीं आया और ये इंडिया में अभी तक आया नहीं है। ओके, तो इंडिया में जब आएगा तो मैं इसके प्राइस वगैरह अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो यानी कि अगर कुछ दिनों के बाद, इसके लॉन्चिंग के बाद अगर इंडिया में देख रहे हो आप, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्राइस वगैरह मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल ह्यूमन टेक। ह्यूमन टेक में आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस के बारे में। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके, ताकि मेरी वीडियोस आप तक फटाफट पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फटाफट हम ऑसस जेनफोन 6 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों ऑसस जेनफोन 6, ये ऑसस जब से आया है मार्केट में तब से इसने हंगामा मचा कर रखा है। ये MI वाला ही फार्मूला यूज कर रहा है, यानी कि बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन और कम से कम प्राइस में। तो दोस्तों इसी तरह से जेनफोन 6 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ये लोग जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की का फ़ोन दे रहे हैं बहुत ही कम प्राइस में। ओके, तो इनका अभी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि वन प्लस सेवन जो है ये लॉन्च हो चुका है, और अभी सब जो भी नए फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं सबका कंपटीशन वन प्लस सेवन प्रो के साथ, वन प्लस सेवन के साथ ही होने वाला है। तो दोस्तों ऑसस जेनफोन का जो डिस्प्ले है ये 6.4 इंचेस का है, IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और इसका जो है बेजल बिल्कुल भी नहीं, यानी कि जो स्क्रीन है उसमें 92% स्क्रीन है और सिर्फ 8% ही उसका बॉर्डर यानी कि बेजल है। ओके, तो और इसमें सबसे अच्छी बात कि डुअल सिम है और साथ में ही मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी है, जो कि हम इंडियंस को बहुत ही पसंद है। मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी और डबल सिम होना ही चाहिए। अब इसके पीछे जो है इन्होंने डुअल कैमरा सेटअप रखा हुआ है, जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, 1.79 का अपर्चर है, और जो दूसरा जो है ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और वाइड एंगल लेंस यूज किया गया, 125 डिग्री का एंगल का लेंस यूज किया गया, जो कि आपका जो फोटो जब लेगा ये तो ज्यादा बड़ा एरिया कवर करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मेरा हाथ कट हो जा रहा है दोनों साइड, अगर ये वाइड एंगल लेंस होगा तो ये बाकी के जो बॉर्डर है हाथ वगैरह, इसका जो एंगल है व्यूइंग एंगल कैप्चरिंग एंगल वो बढ़ जाएगा। और बैक साइड में जो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, मुझे तो पसंद है बैक साइड का ये फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि होता क्या है कि बैक साइड के फिंगरप्रिंट में आप कोई भी उंगलियां टच कर सकते हो, अगर फ्रंट में जब फिंगरप्रिंट रहता है ग्लास के ऊपर जो आजकल जो चल है उसमें आपको थंब भी मोस्टली यूज करोगे या फिर पूरा मोबाइल को छोड़ करके आप उसको फिर दूसरा कोई फिंगर यूज कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छा है, बैक साइड में फिंगरप्रिंट दिया उन्होंने और एक स्मार्ट की दिया है, जो वॉल्यूम का जो बटन है अप डाउन, वॉल्यूम अप डाउन का, उसके जस्ट ऊपर एक और बटन उन्होंने दिया, एक्स्ट्रा बटन ऐड किया, जिसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूजफुल है ये बटन। इसको स्मार्ट की बोला जा रहा है और इसको आप कॉन्फिगर कर सकते हो, यानी कि डबल क्लिक में ऐसा होना चाहिए, सपोज साइलेंट में जाना चाहिए, 3 बार दबाओगे तो वो टॉर्च ऑन हो जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें उन्होंने इस बटन के साथ अरेंज किया और इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा पहल है। अब इसका फ्रंट कैमरे की बात कर सकते हैं, जो फ्रंट कैमरा ये कमाल का है, इन्होंने बहुत ही नया कंसेप्ट लाया है मार्केट में, आप कह सकते हो वर्ल्ड में पहली बार, वर्ल्ड में नंबर वन, बहुत ही अच्छा आइडिया यूज किया उन्होंने। वो ये कि जो फ्लिप कैमरा बोलते हैं अब इसको, फ्लिप, पहले पॉपअप कैमरा था जो कि बाहर निकलता था इस तरह से, अभी फ्लिप कैमरा आ गया है, जो बैक कैमरा है 48 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का, वही कैमरा उल्टा होकर के फ्रंट कैमरा बन जाता है। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे कैमरा है, अब ये उल्टा होकर के फ्रंट कैमरा बन गया। तो इस तरह से फ्लिप कैमरा इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही यूजफुल, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सेम क्वालिटी का जो आप बैक साइड में, जो जैसे कि बाकी मोबाइल फोन में बैक कैमरा जो है ये ज़्यादा पावरफुल रहते थे और फ्रंट कैमरा जो है ज़्यादा उतना पावरफुल नहीं रहता था, 5 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल बहुत हो जाता था। ओके, 20 मेगापिक्सल वगैरह कभी आया, बट अभी इसमें फ़ायदा क्या है कि जो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वही फ्रंट कैमरा बन जा रहा है, जिससे कि आपको जो फ्रंट फोटो है ओके वो भी 48 मेगापिक्सल में आएगा और बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन, उतनी अच्छी क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी बात है। और ये फ्लिप कैमरा है, बहुत ही फास्ट ओपन होता है, बहुत ही फास्ट क्लोज भी हो जाता है, थोड़ा मैकेनिकल चीज़ हो जाएगा, इसमें मोटर वगैरह लगे होंगे जिसके कारण ये ओपन होता है, आप इसको मैनुअली भी ओपन कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मोटराइज वाली चीज़ मैकेनिकल जहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो थोड़ा सा मतलब उसका लाइफ कम हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम होगा, इन्होंने काफ़ी बार चेक किया होगा, लाखों लाख इन्होंने ऑपरेशंस को चेक किए होंगे बार बार कर करके कि कितना ड्यूरेबिलिटी है इसके मटेरियल वगैरह की, तो बट फिर भी एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ओके, मैकेनिकल चीज़ जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे।
अब इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर है जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। लेटेस्ट प्रोसेसर वन प्लस 7 में भी यूज हुआ है। ये आपको तीन वेरियंट में मिल जाएगा, 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी और 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल मेमोरी, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और साथ में अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी वाले का बजट ज़्यादा रहने वाला है, तो आप 64 GB लेकर के उसमें मेमोरी कार्ड 2-3-4 हज़ार रुपये का खर्च करके आप इसको 128 वाला भी बना सकते हो। बट मुझे लगता है कि ये लोग प्राइस इसी तरह से रखने वाले हैं कि आप मेमोरी कार्ड डाल के उसको 128 ना बना सको, यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं रखेंगे 64 GB 128 GB में, या फिर 128 GB और 256 GB में ज़्यादा डिफरेंस प्राइस का नहीं रखने वाले हैं, ताकि आप उनका ही फ़ोन लो और आप उसमें अलग से एक मेमोरी कार्ड डाल के यूज ना करो मेमोरी बढ़ाने के लिए। डेटा और चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट का सपोर्ट है। इसमें जो है स्टीरियो स्पीकर है, यानी कि बहुत ही अच्छी स्पीकर की क्वालिटी है, स्पीकर का आवाज़ है, और स्टीरियो होने की वजह से आप बहुत अच्छी तरह से विदाउट हेडफोन भी सामने रख करके बहुत अच्छा म्यूजिक का आनंद उठा सकते हो। इसके कैमरे की एक और खासियत जो है मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें लेजर ऑटो फोकस है, जो कि सबसे बेस्ट ऑटो फोकस माना जाता है मोबाइल फ़ोन या फिर फोटोग्राफी की दुनिया में। और इसकी जो बैटरी है ये 5000 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आज के रेट में सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा पावर की और मिलीएम्पियर आवर की बैटरी है ये। इसके फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 6 का सपोर्ट है। बैक जो है ये ग्लास वाला बैक है, बहुत ही सुंदर फिनिश है इसका, और इसमें जेन UI 6 का सपोर्ट है, जो कि बहुत ही करीब करीब स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही फील देता है। इसमें ज़्यादा तामझाम वगैरह, ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह इनके तरफ से ऐड नहीं किया गया UI वालों की तरफ, तो ये एक बहुत ही अच्छा मोबाइल का ऑप्शन होने वाला है अगर आप लेना चाहते हो बजट में। तो मुझे उम्मीद है कि ये बजट में ही लॉन्च होने वाला है, बट जैसे ही प्राइस आएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके प्राइस और मॉडल नंबर के साथ में लिख दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियोस मैं आप सबके लिए लेके आता रहता हूं इस चैनल के ऊपर, ह्यूमन टेक के ऊपर। अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हो, आपके पसंदीदा साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स या फिर कोई टॉपिक क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं नए टेक्नोलॉजी साइंस के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।